मीडिया में पावर कपल के नाम से पहचाने जाने वाले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों मुश्किल में हैं। एक तरफ कैप्टन विराट कोहली वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा को गंभीर बीमारी की खबर आ रही है। पिछले दिनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को मुंबई के एक क्लिनिक के बाहर देखा गया था। ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में अनुष्का काफी क्यूट लग रही थी। इसके बाद अनुमान लगाया जाने लगा था कि शायद अनुष्का का पैर भारी है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि अनुष्का रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। डॉक्टर ने अनुष्का को बल्डिंग डिस्क नाम की बीमारी से पीड़ित बताया है। अनुष्का को आराम करने की सलाह दी गई है। बल्डिंग डिस्क नाम की बीमारी लगातार एक स्थान पर बैठे रहने से होती है। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर यह बीमारी शरीर के दूसरे अंगों पर भी बुरा प्रभाव डालती है। बल्डिंग डिस्क के रोगी को बैठने में परेशानी होती है। दवाओं का असर न हो तो बल्डिंग डिस्क के रोगी की सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ था। अनुष्का शर्मा का पालन पोषण बंगलोर में किया गया। बंगलोर यूनिवर्सिटी से अनुष्का की शिक्षा पूरी हुई। बाद में मॉडलिंग और एक्टिंग का कैरियर बनाने के लिए अनुष्का मुंबई आ गई। 2008 में अनुष्का को रब ने बना दी जोड़ी में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। पिछले साल अनुष्का शर्मा का विवाह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ हुआ था। विराट कोहली 30 मई को शुरू होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए टीम के साथ रवाना हो रहे हैं। ऐसे में अनुष्का की बीमारी विराट के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। बीमारी के बावजूद अनुष्का शर्मा ने विराट का हौसला बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मैचों में मौजूद रहने की बात कही है। अनुष्का ने कहा कि वह नहीं चाहती विराट का ध्यान खेल से हटे और उसके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़े। अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा ने कई अच्छी फिल्मों से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। अनुष्का शर्मा ने कहा कि अब वह ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए फिल्में साइन नहीं कर सकती। अनुष्का शर्मा कई फिल्मों के साथ बतौर प्रोड्यूसर जुड़ी हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी वह कुछ शो तैयार कर रही है। एक फिल्म पर भी काम चल रहा है। अनुष्का शर्मा ने कहा कि इन सब के लिए समय की जरूरत होती है। वे एकदम से अलग अनुभव कर रही हैं। विराट और अनुष्का की जोड़ी को सोशल मीडिया में विरुष्का का नाम दिया गया है। दोनों देश के कई प्रमुख ब्रांड्स के लिए प्रमोशन का काम भी करते हैं। क्रिकेट विश्व कप में भारत के अच्छे प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर है। ऐसे में विरुष्का को उनके फैंस द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।